नमस्कार दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5 और 6 को देखेंगे। दोस्तों चलिए, टाइप 5 और 6 को चालू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक शेर लेकर आया हूँ। मोटिवेशनल शेर है दोस्तों, एक लाइक कीजिएगा और कुछ कॉमेंट कीजिएगा जरूर, कैसा लगा। शेर है दोस्तों, बुझी समा फिर जल सकती है, बुझी समा फिर जल सकती है, भयंकर तूफान से कश्ती निकल सकती है। तू मायूस ना हो, मेहनत कर, तुम्हारा किस्मत बदल सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है। यदि वह इसे 10% अधिक में बेचता खरीद कर लाता है और 20% छूट देकर बेचता है तो 12% रुपया ज्यादा मिलते हैं, 12 रुपया ज्यादा मिलते हैं इस वस्तु का ग्रहण करता है। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और आपको बनाना होता है बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है सीपी की, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य की, और एसपी की। सीपी क्या होता है दोस्तों? सीपी होता है क्रय मूल्य, जिसमें हम खरीदते हैं। और सबसे पहले इसका एक ट्रिक अगर हम बनाएंगे आपके सामने, तो ट्रिक है आपका, खरीदोगे तभी तो बेचोगे। ट्रिक लिख रहे हैं, खरीदोगे तभी तो बेचोगे। आपको इस तरह के सवाल में आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, यहाँ देखिए कहता है कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है। अब बेच रहा है और 15% की हानि होगी, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि पहले खरीदा होगा तभी तो बेच पाएगा। तो आप समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 100। ठीक, और वो जो बेच रहा है सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 15% की हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब बेच रहा है 85। ठीक, अब आगे कहता है यदि इसे 10% अधिक में खरीद कर लाता है, 10% अधिक में खरीद के लाता है, इसका मतलब 110, इसका 10% अधिक में खरीद कर लाता है, और 20% छूट देता है। देखिए यहाँ पे ये 15% छूट दे रहा था, 15% की हानि पे बेच रहा था तो माइनस किए, और यहाँ पे वो 20% की छूट दे रहा है, माइनस 20% करना होगा, तो 20% देखिए 10% 11 निकलेगा, पिछला वीडियो मैंने बताया था आपको, तो 22 हो जाएगा 20%। 110 में 22 घटाइएगा तो कितना आएगा, 88 आ जाएगा। ठीक, तो अगर पहले 85 से अब 88 आ गया, यानी कि अगर पहले 85% है और अभी 88% आ रहा है, तो उसको 12 रुपया ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 12 रुपया उसको ज्यादा मिला, इसका मतलब इस 85 से 88 कितना बढ़ा, 3%, तभी तो 12 रुपया ज्यादा मिला। तो हम लिख सकते हैं 3% बराबर 12 रुपया। तो हमको कहता है इस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपने क्या माना है, सीपी माना है 100%, यानी कि आप 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर हो जाएगा 12/3 गुना 100, 3 × 12 बराबर 400 आंसर। इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान हो गया इस बार। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है यदि 20% अधिक में खरीदा जाता है। सबसे पहले बेच रहा है, आपको यही तो देखना है कि बेचना नहीं है, पहले खरीदना है, खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। क्या ट्रिक है, खरीदोगे तभी तो बेचोगे, सिंपल है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप सीपी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि आपका 100 है और 8% की हानि में बेच रहा है, इसका मतलब वो कितना में बेच रहा है। अगर आपको एसपी की बात करेंगे हम यहाँ पे विक्रय मूल्य का, तो 8% हानि यानी कि 100 में अगर 8 घटा देते तो कितना बचता है, 92, यानी कि 92% में वो बेच रहा है, ऐसा हो गया। अब कहता है कि यदि 20% अधिक में खरीदा जाता, एक बात बताइए 100 में पहले खरीद रहा था, अब कहता है 120 रुपया में खरीदा जाता, ठीक है, यानी कि 20% अधिक, यानी कि अगर वो 120 रुपया में खरीदता
तो क्या होता, और 20% छूट देता, 20% छूट कितना देगा, 24 रुपया छूट देगा, यानी कि 20% का छूट देगा, माइनस करेंगे 20 रुपया, तो इसमें कितना छूट देगा, 24 रुपया। अगर 24 रुपया छूट होता है, अगर इसमें 24 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 24 10 में 4 जाएगा 6, और 11 में 2 जाएगा 9, 96%। ठीक, यहाँ 92, यहाँ 96, पहले की अपेक्षा कितना बढ़ रहा है, पहले की अपेक्षा 4 बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो पैसा भी तो बढ़ा होगा, 4% बढ़ा है तो पैसा बढ़ा है, पैसा कितना बढ़ गया, 32 रुपया बढ़ गया। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 4% बराबर 32, यानी कि 32। अगर 4% 32 रुपये मिल रहा है, तो इस वस्तु को कुल कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, बेचना कितना में है, ताकि 10% का लाभ हो, 10% लाभ में बेचना है तो 110 में बेच दीजिए, 110% बराबर 32। पिछला वीडियो में मैं बताया हूं कि अगर लाभ हो रहा है 10% तो 100 में जोड़ देना है, तो और अगर हानि होगा तो 100 में घटाना है, तो वही चीज है। तो देखिए 32 हो गया, 110% बराबर 32/4 × 110, 4 × 8 = 32, यानी कि अगर 8 = 88, 810 रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बराबर हो जाएगा आपका 810 रुपया आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिक है, खरीदोगे तभी तो बेचोगे, या बेच रहा था तब पहले खरीद मान मान लो, और 100% हमेशा खरीद मूल्य जो मानेंगे ना वो 100% मानेंगे, इससे क्या होगा आपको बनाने में सुविधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ होता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तथा 20% अधिक में बेचा जाता तो 21 रुपया ज्यादा मिलते, तो वह वस्तु कितने रुपए में बेचा जाता। सबसे पहली बात, ट्रिक वही है, खरीदोगे तभी तो बेचोगे, खरीद कितना में रहा है ये नहीं पता मुझे, कहता है 5% लाभ में बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले मेरा सीपी जो है वो 100 है, और एसपी की अगर हम बात करेंगे तो 5% लाभ पे बेच रहा है तो 105 में बेच रहा है। ठीक, उसके बाद कहता है यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, 10% कम में अगर इसको खरीदेंगे तो 90 में खरीदेंगे, ठीक है, और खरीदा जाता 20% अधिक में बेचा जाता, अगर इसको 20% अधिक में बेचना है तो देखिए 10% 9 होगा, 20% 18 होगा, तो 108 हो जाएगा, 108 में बेचा जाता है, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। ठीक, अब कहता है तो 21 रुपया ज्यादा मिलते हैं, कितना, 21 रुपया, पहले 5 था तो 105, तो 108 हुआ, कितना परसेंट बढ़ा, 3% बढ़ा। ठीक है, यहाँ परसेंट है, तो 3% बराबर है आपका 21 रुपया। अब क्या कहता है, तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचा था, ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा एसएससी में देखने को मिलते हैं, रेलवे वगैरह में भी डाल सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, बेचा था यानी कि आप कितना में बेच रहे हैं, ये बोल रहा है कि 5% लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब आपको 105% निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 21/3 × 105, 3 × 7 = 21 बराबर 7 × 5 = 35 की 5 × 3 3 × 7, यानी कि 735 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, सारे एग्जाम में आते हैं ये, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, टेट में, पुलिस में, आर्मी में, कहीं भी आ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप इसको इस तरह से सोच के, और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं तो बहुत समय लगेगा, जो कि इस तरह से बनाने से आपको कम समय में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताएं, यह टाइप आपका 6 में है। ठीक है, इसको आप टाइप 6 समझ सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। देखिए इसको एक ट्रिक मैं देता हूँ, लाभ या हानि बोल रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रिक समझ लीजिए आप, कि लाभ या हानि परसेंट बराबर अभी जस्ट पिछले पार्ट में जो था 5 में मैं क्या बताया, खरीदोगे तभी तो बेचोगे। ठीक, तो वही ट्रिक का उसमें उस तरह से समझ रहे थे, अब उसी ट्रिक को यूज करते हैं दूसरे तरह से, यानी कि हम लिख दे रहा हूं, खरीदो माइनस बेचो बटा बेचो × 100, ये आपको लाभ या हानि प्रतिशत। अगर आपका आंसर निगेटिव में आए तो समझ लेना कि आपका हानि है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव यानी कि प्लस में आए तो समझ जाना आपको लाभ है। ठीक, इन चीजों का याद रखिएगा।
अब यहाँ पे देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल, क्रय मूल मतलब खरीदो, यानी कि खरीद रहा है 25 में, यहाँ पे लिख दीजिए आप 25। अब बेच रहा है उसी को 20 वस्तु, देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल, 20 वस्तु के विक्रय मूल, विक्रय मूल 20 है तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए। अब बट्टा फिर वही बेचो 20 गुना 100। अब देखिए 25 में 20 जाएगा क्या बचेगा 5, बट्टा 20 गुना 100, 20 पंचे 100, 25%। 25% आपका आंसर पॉजिटिव में आया तो आप बोल सकते हैं 25% लाभ आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसका एक और तरीका बताता हूँ। अगर आप इस तरह से नहीं समझे तो यहाँ पे समझिए इस तरह से कि क्या बोला है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल, ठीक, यहाँ समझिए 25 वस्तु का क्रय मूल 20 वस्तु के विक्रय मूल के बराबर है, बराबर लिख सकते हैं 20 वस्तु का विक्रय मूल, 20 वस्तु का विक्रय मूल, ऐसा का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो हम लिख सकते हैं 25 वस्तु गुना, 25 वस्तु गुना, 25 वस्तु गुना 25 क्रय मूल बराबर 20 वस्तु गुना विक्रय मूल, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये रेशियो में, यानी कि वस्तु 25 वस्तु का क्रय मूल गुना 20 वस्तु का विक्रय मूल, अगर आप क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य का मान आपका 25 नीचे चलेगा और 20 ऊपर चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर रेशियो में बदलेंगे, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य, तो आपका क्या होगा, क्रय मूल्य का रेशियो यानी कि 20:25, यानी कि 20 खरीद रहे हैं और 25 बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है 5 का, यानी कि आपका यहाँ पे बना रहा हूँ 5 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य नीचे है 20 गुना 100, 20 पंचे 100 यानी कि 25%, ऐसे भी आप समझ सकते थे इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत आसान है आपका, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 12 वस्तु का क्रय मूल 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, अगर आप इसको अच्छे ढंग से देखते हैं तो आप बना सकते हैं। देखिए मैं दो तरीका से बता रहा हूँ, पहला तो एक ट्रिक है जो कि बहुत ही आसान बताए हैं, पिछला पार्ट की तरह ही यहाँ ट्रिक लिख रहे हैं, यानी कि हानि बोल रहे हैं, हानि क्या था आप लिख सकते हैं, हानि प्रतिशत बराबर क्या करना है, पहले खरीदना है, खरीदो तब क्या करोगे बेचो, और फिर बटे बेचो गुना 100। अगर इस तरह के सवाल में इस तरह की मतलब फॉर्मूला को यूज करते हैं तो आप जल्दी बना सकते हैं, और अगर इस तरह नहीं तो एक और विधि बताऊंगा उससे समझ लीजिएगा। तो देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ना खरीदना, यहाँ 12 लिख दीजिए, और 16 बेच रहा है तो -16 लिख दीजिए, और फिर बटा 16 गुना 100। मैंने क्या बोला था अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, हम बोले थे कि अगर किसी संख्या को माइनस करने पर माइनस में आंसर आए तो वो हानि होती है, 12 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा -4 बटा 16 गुना 100, 4 चौक 16, 4 से 25 यानी कि बराबर -25%, यानी कि आप बोल सकते हैं 25% हानि, इस तरह समझ सकते हैं। अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते तो एक तरीका और है मेरे पास, आप इस तरह समझ सकते हैं, कहता है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 12 वस्तु का मतलब क्या होता है, गुना होता है 12 गुना क्रय मूल्य, ऐसा लिख दीजिए, फिर बराबर कहता है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बोल रहा है ऐसा, तो 16 बराबर 16 गुना विक्रय मूल्य। ठीक, अब ध्यान देखिए, आप अगर इसको रेशियो में बदलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी एक तरीका और मैं बताता हूँ शॉर्टकट करने का, बहुत तरीका है, क्रय मूल्य को आप 16 समझ लीजिए क्योंकि क्रय मूल्य बराबर 16 है, और विक्रय मूल्य को आप 12 समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए क्रय मूल्य 16 है, अब विक्रय मूल्य 12 है, खरीद रहा है 16, ठीक है, और 12 बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, खरीद रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, देख लीजिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य, अगर आप क्रय मूल्य 16 है विक्रय मूल्य 12 है तो उसको क्या हो रहा है, खरीद रहा है 16 तो 12 तो बेच रहा है, 4 का डिफरेंट है, किस पे 12 पे, ये क्वेश्चन में कहीं मिस हो गया है। ठीक है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसको इस तरह से करिए, देखते हैं, रुकिए, देख लेते हैं इसको, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य करके बनाते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 और यहाँ हो जाएगा 16, यानी कि
क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 16:12। ठीक, देखिए 16 खरीद रहा है, 12 बेच रहा है। ठीक, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से कुछ प्राप्त है क्या। नहीं, क्वेश्चन तो सिंपल है, 12 वस्तु खरीद रहा है और 16 वस्तु बेच रहा है। तो 16 वस्तु अगर बेच रहा है, 12 वस्तु अगर खरीद रहा है, तो आप तो आसानी से कर ही सकते हैं कि 12 खरीदेंगे और 16 तो बेचेंगे, तो हमको 4 तो का तो हानि हो ही रहा है ना। तो 4 हानि हो रहा है और 16 बेच रहा है, यानी कि सबसे अच्छा ये ट्रिक है, इस ट्रिक से चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बदलते, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइप सीखना मानते हैं कि सही रहता है, जब जैसा हम यूज करते हैं बन जाता है, लेकिन कुछ टाइप ऐसा होता है कि जो दिमाग में बैठ जाता है, खरीदो माइनस बेचो बटे बेचो गुना 100 तुरंत बनता है। इस सवाल को इस तरह से बनाइए, बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या। ठीक है, तो ट्रिक देखिए क्या है आपका, खरीदो माइनस बेचो बटा बेचो गुना 100। ठीक, ये क्या है, तो आपको बोल रहा है हानि परसेंट का सूत्र, तो बन जाएगा आपसे आसानी से। खरीद रहे हैं 18 वस्तु का खरीद मूल्य 18, बेच रहे हैं 20, 18 और बट्टा 20 गुना 100, सबसे बेस्ट मेथड, 18 20 माइनस 2 बट्टा 20 गुना 100। देखिए 20 पंचे 100, 5 गुना 10, देखिए 10% आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 10% हानि क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 तो खरीद रहे हैं और 20 तो बेच रहे हैं, तो 2 तो हानि हो रहा है ना, तो उस तरह से हानि कितना हो रहा है, तो इस तरह से आप निकालिए, माइनस में आंसर आ रहा है, तो आप बोल सकते थे 10% हानि। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का अगला। दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कॉमेंट कीजिएगा, हम चाहते हैं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, जितना चीज़ है मैं सारी चीज़ को अलग अलग टाइप करके सारी चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारा चीज़ समाप्त कर दूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।